नमस्ते दोस्तों, कक्षा 8वीं हिंदी विषय की सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 में मैं अविनाश पटेल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 20 अंकों के लिए यह कसौटी हमें दी गई है, तो चलिए देखते हैं 20 अंकों के लिए किस प्रकार के सवाल यहां पर पूछे गए हैं और उनके जवाब हमें किस प्रकार लिखने हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गद्य विभाग दिया है। गद्य विभाग में पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करो। तो चलिए पहले हम यह गद्य खंड ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1937 ई को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर कस्बे में हुआ। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 25 जुलाई 2002 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च सांविधानिक राष्ट्रपति पद का उन्हें प्राप्त हुआ। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कलाम ने ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से विरासत में पाया। 1958 ई में कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में बदल संभाला। अग्नि प्रक्षेपण का सफल परीक्षण उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। सन 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। तो यह गद्यखंड यहाँ पे दिया है, उस पर आधारित कुछ कृतियां हमें यहाँ सॉल्व करनी है। तो पहला सवाल दिया है दोस्तों, संजाल पूर्ण करो, और यहाँ पे डॉक्टर कलाम का सम्मान। तो इस गद्यखंड की सहायता से हम उसका जवाब लिख सकते हैं। 2 अंकों के लिए यह सवाल है, राष्ट्रपति और भारत रत्न, यह 2 शब्द हम गद्यखंड की सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है 2 अंकों के लिए, उपर्युक्त गद्यखंड पढ़कर 1 शब्द में उत्तर दो। और सवाल है, डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे गद्यखंड में हमने पढ़ा है दोस्तों कि मिसाइल मैन के नाम से वे प्रसिद्ध थे, इसलिए हमें मिसाइल मैन यह वहाँ पे जवाब में लिखना है। बहुत सवाल है, डॉक्टर कलाम ने अपने माता पिता से 1 गुण विरासत में पाए, ईमानदारी और आत्म अनुशासन, यह गुण हम इसके जवाब में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, विज्ञान शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। तो दोस्तों, विज्ञान शाप और वरदान इस विषय में हमें इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं पर अभिशाप भी साबित हुआ है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। तो इस प्रकार उसका जवाब भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद पद्य विभाग दिया है दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है पद्य विभाग में, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। एक पद्यांश दिया है 4 पंक्तियों का, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उस पर आधारित कृतियां भी सॉल्व करनी है। तो पद्यांश इस प्रकार यहाँ पे दिया है, अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना, पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते जब मैं सबसे हिलमिल रहना। तो इस प्रकार का यह पद्यांश है। यहाँ पर इस पद्यांश पर आधारित पहली कृति दी गई है, हमें इनकी तरह हिलमिल कर रहना है। तो इसके जवाब में हम दोस्तों लिख सकते हैं, पर्वत मिट्टी और पेड़, यह 2 शब्द हम पद्यांश में से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है दोस्तों, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द दिया है माटी, उसके लिए पद्यांश में हमने मिट्टी यह शब्द देखा है और वही हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे। दूसरा शब्द है लक्ष्य, उसके लिए मंजिल। उसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पे दिया है दोस्तों, पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। पेड़ों का महत्व हमें मालूम है और उसी के बारे में हमें यहाँ लिखने के लिए कहा गया है 2 अंकों के लिए। तो उसके जवाब में हम लिख सकते हैं, पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुँचाता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों को चारा, हमें पेड़ों से ही मिलता है। तो इस प्रकार हम पेड़ों के महत्व के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला विभाग है दोस्तों, व्याकरण विभाग। उसमें पहला सवाल है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो, 2 अंकों के लिए। पहला वाक्य दिया है, पिताजी दिल्ली जाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में उसका हमें परिवर्तन करना है, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, इस प्रकार हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, पेड़ पर फूल आए थे, सामान्य भविष्य काल में इसका रूपांतर करना है, परिवर्तन करना है, पेड़ पर फूल आएंगे। तो इस प्रकार हम दोनों कालों का परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो।
पहला वाक्य दिया है दादी बच्चों टिम्बर टिम्बर कहानी सुनाती है, और यहाँ पे कारक चिन्ह दिए गए हैं के से को, तो इसमें से हम को यह कारक चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। नंबर दो, गाड़ी ठीक समय टिम्बर टिम्बर आ रही है, और यहाँ पे कारक चिन्ह है के से और पर, तो इसमें से हम पर यह कारक चिन्ह लिखेंगे, गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। तीसरा सवाल है दोस्तों, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है और उसके अर्थ के आधार पर हमें उसका प्रकार यहाँ पे लिखना है। मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूँ, और यह जो प्रकार है दोस्तों यह प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थ के आधार पर हम इसका प्रकार बता सकते हैं। उसके बाद उपयोजित लेखन के लिए 5 अंकों के लिए सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो। मेरा देश यह एक शीर्षक दिया है, प्रस्तावना, प्रकृति वर्णन, देश की संस्कृति, महान विभूतियाँ, अन्य देशों से अलग, विविधता में एकता, विश्व को ज्ञान देने वाला और उपसंहार, यह मुद्दे यहाँ पे दिए है। और अथवा में सवाल लिया है, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति की कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ऑनलाइन कक्षा चालू है और वहाँ पर हम यह छात्र अनुपस्थित है और उसके बारे में हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेरा देश इस विषय पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम निबंध लिख सकते हैं, मेरे देश का नाम भारत है, भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 4 अरब से ज़्यादा है, यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है, इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उपयुक्त लेखन में मेरा देश इस निबंध में हम हमारे विचार इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे कक्षा 8वीं हिंदी विषय की तीसरी जो कसौटी है उसके जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर दोस्तों इसे शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।